नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है। मैं एक साइकैट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट और काउंसिलर हूँ। और अकोला में केड़कर हॉस्पिटल मैं साइकैट्रिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सम्मोहन हिप्नोटिज्म के बारे में बताया था। अभी हम ये वीडियो में एक-एक बीमारी को लेकर ये देखेंगे कि सम्मोहन करते वक्त हमें क्या सजेशंस देने हैं, क्या विजुअलाइज करना है ताकि हम उस बीमारी से, उस डिजीज से पूरी तरह मुक्त हो जाए। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बीमारी है वो डिप्रेशन। डिप्रेशन में सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म बहुत ही काम का है। जब हम सेल्फ हिप्नोटिज्म मतलब स्वयं सम्मोहन कर रहे हैं और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले ये विजुअलाइज करना है कि मैं दिन ब दिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा हूँ, मेरा पूरी तरह काम में ध्यान है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरी आनंद से, पूरी एन्जॉयमेंट से वो चीज़ कर रहा हूँ, मेरे वर्क प्लेस में, मेरे फैमिली में, हर जगह मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे 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 कम हो रहा है और कंप्लीटली बंद हो गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह लाइफ एन्जॉय करूँ। जब मैं शाम को घर आ रहा हूँ तो पूरी एन्जॉयमेंट से घर आ रहा हूँ, जब मैं बेड पे सो रहा हूँ तो मुझे अच्छी से गहरी नींद आ रही है। मेरा जो डिप्रेशन है वो धीरे 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 कम होकर पूरी तरह बंद हो गया है। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं हमको डिप्रेशन में। नंबर दो, फोबिया या पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में हमको खुद को ये इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि जो मेरे मन में जो डर पैदा हुआ है या मेरे को घबराहट हो रही है या जो टेंशन आ रहा है वो धीरे 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 कम हो रहा है और मेरे को रिलैक्स लग रहा है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स लग के मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा काम कर रहा हूँ। कितना भी डर तैयार हुआ, कितनी भी डर मेरे मन में आ रहा है, घबराहट हुई, फिर भी मैं रिलैक्स हूँ। मेरे मन के जो विचार है, कोई भी जो गंदे विचार या निगेटिव विचार आ रहे हैं वो धीरे 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 कम हो रहे हैं। मैं अपने काम पे 100% फोकस कर रहा हूँ और अच्छी तरह से मैं अपना काम निभा रहा हूँ। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप फोबिया और पैनिक अटैक में दे सकते हैं। अगली जो बीमारी है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में हमने ये सोचना है कि मेरी जो बेचैनी है, मेरे जो मन का टेंशन है, मेरे जो मन की घबराहट है वो धीरे 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 कम हो रही है और मैं मेरे काम पे फोकस कर रहा हूँ। बहुत लोगों को इंसोमनिया मतलब नींद न आने का प्रॉब्लम होता है। उसमें हम ऐसे सजेशंस दे सकते हैं कि मैं जैसे ही बेड पे गया रात को 10 बजे 11 बजे जैसे मैं बेड पे गया वैसे ही मुझे गहरी नींद आई और मेरे को 8 घंटा पूरी तरह मैं सो पाया और सुबह उठने के बाद मुझे फ्रेश लग रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। एट द सेम टाइम जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन या नपुंसकता, उसमें भी हम सम्मोहन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें रिलैक्स बैठना है और ये सोचना है, ये विजुअलाइज करना है कि मैं मेरे पार्टनर के पास गया, हमने सबसे पहले 10-15 मिनट रोमांस किया और उसके बाद मैं पूरी फोकस से अच्छे से संबंध बना रहा हूँ मेरे वाइफ के साथ, मेरे को 100% इरेक्शन हो रहा है और मेरे को धीरे धीरे मैं वो चीज़ पूरी एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे मन की जो एंग्जाइटी है, मेरे मन का जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम हो गया है और खत्म हो गया है। अगली जो बीमारी है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बार 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 विचार आते हैं। तो ऐसे वक्त जब हम सम्मोहन करते हैं तो खुद को ऐसे सजेशंस देने हैं कि कितने भी विचार आए, बार बार विचार आए, फिर भी मैं वो विचारों की तरफ ध्यान नहीं दूंगा और वो विचारों को धीरे धीरे इग्नोर करूंगा। जब जब मेरे मन में अलग अलग फालतू के नकारात्मक विचार आएंगे तब तक मेरे को ध्यान में आएगा कि ये विचार फालतू के हैं, ये विचारों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अर्थ नहीं है, तथ्य नहीं है और वो विचारों को मैं पूरी तरह से इग्नोर कर सकूंगा, निकाल सकूंगा या ब्रैकेट कर सकूंगा। जब जब मेरे दिमाग में विचार आएंगे तब मैं पूरी तरह फोकस करके मेरे काम की तरफ ध्यान दूंगा। विचार आते रहेंगे, शायद जिंदगी भर विचार आएंगे, लेकिन मैं वो विचारों को तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। तो ऐसे हमको विजुअलाइजेशन हमको करना है ओसीडी में। अगली जो बीमारी है वो एडिक्शन या स्मोकिंग। तो उसमें हमको ऐसे विजुअलाइज करना है कि मुझे इच्छा हो रही है
अल्कोहल पीने की या सिगरेट पीने की मुझे इच्छा हो रही है, वो इच्छा होने के बावजूद मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगा रहा हूँ। जब जब कोई मुझे सिगरेट पीने के लिए या दारू पीने के लिए मजबूर करता है, तब मुझे सडनली उल्टी होना चालू हो जाता है और मुझे सिगरेट या दारू से एलर्जी हो गई है। ऐसा हमको विजुअलाइज करना है। जो लास्ट टॉपिक है वो है चिल्ड्रन रिलेटेड, मतलब पढ़ाई। जब हम पढ़ाई करते हैं तो सम्मोहन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो खुद को सजेशंस देने हैं कि मैं रिलैक्स बैठा हूँ, जो भी मैं पढ़ूंगा वो पूरी तरह 100% मेरे दिमाग में जाएगा, मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे है, मेरा जो मन है वो कम्प्लीटली स्थिर है, स्थितप्रज्ञ है, मतलब एकदम स्टेबल है। जो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो पूरी तरह मेरे दिमाग में जा रहा है, मेरे दिमाग में घुस रहा है, बाकी कोई भी चीज़ें, बाकी कोई भी ख्याल मेरे दिमाग में टच भी नहीं हो रहा है। ऐसे अगर ये पद्धति से अगर हमने पढ़ाई किया तो हम आधे या एक घंटे में भी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई लगभग कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग बीमारियों में हम सम्मोहन यूज़ कर सकते हैं। सम्मोहन और हिप्नोटिज्म बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है साइकेट्री में, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। अगर आपको भी सम्मोहन सीखना है और ट्रीटमेंट लेनी है और कोई भी बीमारी है तो हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं जल्द ही बाकी के वीडियोज़ भी लेके आऊँगा। धन्यवाद।